हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रोटीन कंटेनिंग ड्रग का पार्ट टू, जिसमें हम आपको बताएंगे जिलेटिन के बारे में। मींस जिलेटिन क्या होता है, उसका बायोलॉजिकल सोर्स मींस यहाँ से हमको ये ऑप्टेन होता है, किस तरीके से इसको प्रिपेयर किया जाता है, इसकी प्रॉपर्टीज, इसकी केमिस्ट्री और किस तरीके से इसको इवेल्युएट करते हैं और इसके यूजेस के बारे में। तो जिलेटिन को भी यूज किया जाता है एज अ फार्मास्यूटिकल एड, मींस बहुत से फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस मींस डोजेस फॉर्म के मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी इस जिलेटिन को यूज करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो ये जिलेटिन होता क्या है, तो आइए जानते हैं। तो ये जो जिलेटिन है, इसको जिलेटिनम भी बोलते हैं, इसको प्यूरा जेल और जेल फॉर्म भी कहा जाता है। तो ये कौन से सोर्स से हमको ऑप्टेन होता है, क्या इसका बायोलॉजिकल सोर्स है? तो जिलेटिन इट इज अ प्रोटीन। क्या जिलेटिन क्या है? ये प्रोटीन है और ये हमको ऑप्टेन होता है बाय द पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ एनिमल कोलेजिनस टिश्यू। एनिमल कोलेजिनस टिश्यू लाइक स्किन, टेंडन्स, बोन्स एंड लिगामेंट्स विद बॉइलिंग वाटर ऑफ वेरियस एनिमल्स। मीन्स ये जिलेटिन हमको कहाँ से ऑप्टेन होता है? तो ये वेरियस एनिमल्स, वेरियस मेनली जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनके स्किन, टेंडन्स, बोन्स और लिगामेंट्स, ये सब क्या है? ये सब कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यूज है। कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू मतलब कि ये क्या करते हैं, ये कोलेजन, मतलब इसमें कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। कोलेजन क्या है? कोलेजन भी प्रोटीन है। तो ये जो है कोलेजिनस जितने टिश्यूज होते हैं, जैसे कि स्किन हो गया, टेंडन्स, टेंडन्स क्या होते हैं, ये भी कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू है, जो कि क्या करते हैं, जो कि कनेक्ट करते हैं किसको, मसल्स को बोन से, और बोन्स एंड लिगामेंट्स। तो ये लिगामेंट्स क्या होते हैं, लिगामेंट्स भी कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू है, मतलब कि इसमें भी कोलेजन फाइबर मींस कोलेजन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जो कि कनेक्ट करते हैं बोन टू बोन को टू फॉर्म जॉइंट्स। तो ये डिफरेंट एनिमल्स है, डोमेस्टिक एनिमल्स के जो स्किन है, टेंडन्स है, बोन्स है, लिगामेंट्स को क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है और उसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं। हाइड्रोलिसिस मतलब कि उसका पार्शियली इसको ब्रेक डाउन किया जाता है विद द बॉइलिंग वाटर के साथ, उसको ब्रेक डाउन करते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे स्किन, टेंडन्स, बोन्स और लिगामेंट्स में जो कोलेजन प्रोटीन प्रेजेंट होता है पार्शियली ब्रेक डाउन होता है टू द सोल्यूबल जिलेटिन। ये हो गया बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ जिलेटिन। तो इम्पोर्टेंट एनिमल सोर्स जिससे मेनली जिलेटिन को प्रिपेयर किया जाता है उसके स्किन, टेंडन, बोन्स और लिगामेंट्स में, वो है ऑक्स जिसका बायोलॉजिकल नेम होता है बॉस टॉरस, और शिप जिसका बायोलॉजिकल नेम होता है ऑविस एलिस, बिलोंगिंग टू द फैमिली बोविडी। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर्टीज। इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ थिन शीट, थिन शीट के फॉर्म में अवेलेबल होता है, या फ्लैक्स के फॉर्म में अवेलेबल होता है, या ग्रैनुलर कोर्स पाउडर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, या फाइन पाउडर के फॉर्म में अवेलेबल होता है। कलर क्या होता है? फ्रेंटली येलो होता है, मीन्स पीका येलो होता है या एम्बर कलर्ड होता है। ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक होता है हार्ड और बीटल नेचर का होता है। सॉल्युबिलिटी, तो ये जो जिलेटिन है वो किसमें सॉल्युबल होता है और किसमें इसकी इनसॉल्युबिलिटी होती है? तो यहाँ पे हमने लिखा है कि सॉल्युबल इन हॉट वाटर, जिलेटिन हॉट वाटर में सोल्यूबल होता है और इसी प्रॉपर्टी की वजह से इसको हम बॉइलिंग वाटर से क्या किया जाता है, बॉइलिंग वाटर के हेल्प से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम द स्किन, बोन, टेंडन एंड लिगामेंट्स। और ये मिक्सचर ऑफ ग्लिसरीन और वाटर में भी इसकी सोल्यूबिलिटी होती है, एसिटिक एसिड में भी इसकी सोल्यूबिलिटी होती है। और हॉट एक्वस सोल्यूशन, जब उसको हम क्या करते हैं, उसको ठंडा किया जाता है तो वो जेली मींस जिलेटिनाइज हो जाता है, जेली, जेल का फॉर्मेशन होता है जब हम हॉट सॉल्यूशन ऑफ जिलेटिन को जब ठंडा किया जाता है। तो ये मेन प्रॉपर्टी होती है जिलेटिन की, और इसी प्रॉपर्टी की वजह से इसको डिफरेंट कॉस्मेटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में बनाने के लिए उसको यूज किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं इनसॉल्युबिलिटी। इनसॉल्युबल किसमें होता है? ये कोल्ड वाटर में इनसॉल्युबल होता है। कुछ अल्कोहल में भी इनसॉल्युबिलिटी होती है, फिक्स्ड ऑयल, वोलेटाइल ऑयल, क्लोरोफॉर्म, ईथर एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में इसकी इनसॉल्युबिलिटी होती है। जैसे कि हमने आपको बताया था कोल्ड वाटर में इसकी इनसॉल्युबिलिटी होती है, बट ये कोल्ड वाटर में क्या होता है, स्वेल हो जाता है। कैसे स्वेल होता है? ये जो है वाटर को एब्जॉर्ब करता है, लगभग 5 to 10 टाइम्स ऑफ इट्स वेट ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब करता है और ये वाटर में क्या हो जाता है, स्वेल हो जाता है। तो ये हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ जिलेटिन। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं केमिस्ट्री ऑफ जिलेटिन। तो जिलेटिन क्या होता है, जैसे हमने आपको बताया था ये प्रोटीन होता है, तो लगभग इसमें 98 to 99% इसमें प्रोटीन होता है बाय ड्राई वेट, और
जिलेटिन में डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट प्रोपोर्शन में, डिफरेंट अमाउंट में, इंक्लूडिंग बोथ असेंशियल एंड नॉन असेंशियल अमीनो एसिड। इसमें मेजर पोर्शन नॉन असेंशियल अमीनो एसिड का प्रेजेंट होता है और जो असेंशियल अमीनो एसिड होता है स्मॉलर प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होता है। तो मेजर जो नॉन असेंशियल अमीनो एसिड होते हैं वो है ग्लाइसिन जो कि 21% लगभग प्रेजेंट होता है अप्रोक्सीमेटली, और प्रोलिन जो है लगभग जो है 12% प्रेजेंट होता है। और ये जो परसेंटेज है, ये जो अमाउंट है डिफरेंट टाइप्स के जो अमीनो एसिड्स का, वो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द सोर्स या कह सकते हैं रॉ मटेरियल ऑफ द जिलेटिन एंड ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द प्रिपरेशन मैथड, जो प्रिपरेशन टेक्निक जो अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो है इन अमीनो एसिड्स के जो अमाउंट है वो वेरी करते हैं। तो ग्लाइसिन और प्रोलिन जो कि मेजर अमीनो एसिड है, नॉन असेंशियल अमीनो एसिड है जो कि जिलेटिन में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा हाइड्रोक्सी प्रोलिन लगभग 12% प्रेजेंट होता है, ग्लूटामिक एसिड अप्रोक्सीमेटली 10%, एलानिन 9%, आर्जिनिन 8%, एस्पार्टिक एसिड 6%, लाइसिन जो कि असेंशियल अमीनो एसिड है, ये मेजर असेंशियल अमीनो एसिड है जो कि जिलेटिन में प्रेजेंट होता है, अबाउट 4%, सेरीन 4%, ल्यूसीन 3% जो कि असेंशियल अमीनो एसिड है, वैलिन भी असेंशियल अमीनो एसिड है 2%, फिनाइल एलानिन जो भी असेंशियल अमीनो एसिड 2%, थ्रियोनिन जो है 2%, आइसोल्यूसिन 1%, न्यूथियोनिन एंड हिस्टिडिन लेस देन 1% एंड टायरोसिन लेस देन 0.5%। तो जितने भी हमने यहाँ पे रेड स्टार किया हुआ सारे क्या है, असेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। तो इसमें असेंशियल अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है, स्मॉल प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होता है। और ये जो जिलेटिन है इसमें डज नॉट कंटेन ट्रिप्टोफेन, मतलब कि जिलेटिन में ट्रिप्टोफेन जो कि क्या है असेंशियल अमीनो एसिड है वो एब्सेंट होता है। इसी कारण से जिलेटिन क्या है, जिलेटिन इट इज एन इनकम्प्लीट प्रोटीन। इनकम्प्लीट प्रोटीन क्या होता है, इनकम्प्लीट प्रोटीन जिसमें एक या एक से ज्यादा जो है असेंशियल अमीनो एसिड जो है टोटली एब्सेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट प्रोटीन बोलते हैं। और यहाँ पे हाइड्रोक्सी लाइसिन भी प्रेजेंट होता है, तो टोटल कितने, टोटल 18 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं इसमें। इसके बाद आते हैं स्टैंडर्ड वैल्यूज ऑफ जिलेटिन। तो इस जिलेटिन का क्या स्टैंडर्ड वैल्यू होता है, स्टैंडर्ड लिमिट होता है जिससे हम जिलेटिन की क्वालिटी को डिटरमाइन करते हैं। तो एच जो है नॉट मोर देन 3.2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए 3.2% से। जेल स्ट्रेंथ जिसको हम ब्लूम स्ट्रेंथ भी बोलते हैं जिलेटिन का, जिससे हम जिलेटिन की स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करते हैं, वो जो है 150 से 250 से कम नहीं होना चाहिए, इस रेंज में होना चाहिए। और ये जो जिलेटिन है इसका ब्लूम स्ट्रेंथ किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है, मीन्स किस तरीके से जिलेटिन की क्वालिटी को हम डिटरमाइन करते हैं, तो उसको आगे हम डिटेल में बताएंगे। लॉस ऑन ड्राइंग मतलब इसका मॉइस्चर कंटेंट जो है नॉट मोर देन 15% होना चाहिए, मीन्स 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और पीएच 1% सॉल्यूशन, जिलेटिन सॉल्यूशन का पीएच लगभग 3.6 से 7.6 होता है। तो ये हो गया जिलेटिन की केमिस्ट्री और जिलेटिन को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, मीन्स इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन को डिटेल में हम इसका नेक्स्ट बताएंगे। और दो टाइप के जिलेटिन होते हैं, टाइप ए जिलेटिन एंड टाइप बी जिलेटिन। टाइप ए जिलेटिन को हम एसिड प्री ट्रीटमेंट करके बनाते हैं और टाइप बी जिलेटिन को हम अल्कलाइन प्री ट्रीटमेंट करके बनाया जाता है। तो ये टाइप ए जिलेटिन टाइप बी जिलेटिन क्या होता है, तो किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, इसका डिटेल हम आगे बताएंगे और इसका जिलेटिन का यूसेज। तो आइए जानते हैं इसके नेक्स्ट स्लाइड में। तो आइए इसके बाद नेक्स्ट जानते हैं ये जो जिलेटिन है ये कितने टाइप्स के होते हैं और इस जिलेटिन को किस तरीके से इवेल्यूएट किया जाता है, मीन्स इसकी क्वालिटी को किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं बाय डिटरमाइनिंग इट्स ब्लूम स्ट्रेंथ। तो ये जो जिलेटिन है जो कि इनसॉल्यूबल कोलेजन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है इन द बोन्स, टेंडन्स, लिगामेंट, स्किन में, तो इसको क्या किया जाता है, इसको सॉल्यूबल जिलेटिन में कन्वर्ट किया जाता है बाय द हाइड्रोलिसिस, मीन्स विद द बॉइलिंग विद वाटर। उसके बाद नेक्स्ट उसको सॉल्यूशन को प्योरीफाई किया जाता है, उसको कंसनट्रेट करते हैं, ड्राई करते हैं टू गेट अ सॉलिड फॉर्म। उसके बाद ये जो कमर्शियली जो जिलेटिन है ये जो हमको कहाँ से ऑप्टेन होता है, फ्रॉम द बाय प्रोडक्ट ऑफ स्लॉटर्ड कैटल, शीप एंड हॉक्स। तो ये जो क्वालिटी है जिलेटिन का उसको डिटरमाइन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ जेली स्ट्रेंथ जिसको हम ब्लूम स्ट्रेंथ बोलते हैं, विद द हेल्प ऑफ ब्लूम जेलोमीटर। ब्लूम जेलोमीटर से डिवाइस से हम जो है इसको। इसके बाद नेक्स्ट इवेल्यूएशन ऑफ जिलेटिन। तो जिलेटिन की क्वालिटी को डिटरमाइन किया जाता है बाय डिटरमाइनिंग इट्स ब्लूम स्ट्रेंथ या कह सकते हैं जेली स्ट्रेंथ। तो ये ब्लूम स्ट्रेंथ हम डिटरमाइन करते हैं बाय ब्लूम जेलोमीटर जो कि एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम ब्लूम स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करते हैं जिलेटिन के। तो ब्लूम स्ट्रेंथ क्या होता है, ब्लूम स्ट्रेंथ इज द मेजरमेंट ऑफ द कोहेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द क्रॉस लिंकिंग दैट अकर्स बिटवीन द जिलेटिन मॉलिक्यूल्स
एंड इज प्रोपोर्शनल टू द मॉलिकुलर वेट ऑफ द जिलेटिन। मीन्स जिलेटिन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो क्रॉस लिंकिंग होता है, जिसके बीच में जो स्ट्रेंथ होता है, उसको मेजर किया जाता है और उसको एक्सप्रेस करते हैं ब्लूम स्ट्रेंथ को एज द वेट इन द ग्राम विच इज रिक्वायर्ड फॉर पुशिंग अ स्टैंडर्ड प्लंगर विच इज अबाउट 11.7 mm इन डायमीटर अ सेट डिस्टेंस अंडर द कंट्रोल कंडीशन विच प्रोड्यूस अ डिप्रेशन ऑफ एग्जैक्टली 4 mm डीप इन टू द प्रिपेयर्ड जिलेटिन विच इज मैच्योर्ड एट 10 degrees Celsius एंड द कंसेंट्रेशन ऑफ द जिलेटिन सोल्यूशन इज 6.66% इन वॉटर। इसका मतलब जो ब्लूम स्ट्रेंथ होता है उसको एक्सप्रेस करते हैं एज अ वेट इन ग्राम, मीन्स कितना वेट रिक्वायर्ड होता है जो स्टैंडर्ड प्लंगर है, उस स्टैंडर्ड प्लंगर जिसका 11.7 mm इन डायमीटर होता है, उस स्टैंडर्ड प्लंगर को प्रिपेयर्ड जो जिलेटिन जेल होता है जिसको हम 10 degrees Celsius पर इसको मैच्योर करते हैं, तो प्रिपेयर जिलेटिन जेल को में डिप्रेशन एग्जैक्टली 4 mm डीप डिप्रेशन के लिए उस स्टैंडर्ड प्लंगर को पुश करने के लिए कितना वेट इन ग्राम रिक्वायर्ड होता है, उसी को हम ब्लूम स्ट्रेंथ बोलते हैं उस जिलेटिन का। और ये जो जिलेटिन जेल है ये प्रिपेयर किया जाता है बाय 6.66% जिलेटिन सॉल्यूशन इन वाटर। और जो हार्ड कैप्सूल के लिए जो जिलेटिन यूज़ किया जाता है वो हाई ब्लूम स्ट्रेंथ का होता है, और सॉफ्ट कैप्सूल के लिए जो जिलेटिन यूज़ करते हैं वो लोअर ब्लूम का होता है। और जेली स्ट्रेंथ जो है 150 ब्लूम से कम नहीं होना चाहिए फॉर एज पर द ब्रिटिश फार्माकोपिया फॉर द फार्मास्यूटिकल यूजेस सच एज कोटिंग ऑफ द पिल्स हो गया, व्हीकल्स फॉर सपोजिटरी प्रिपरेशन के लिए एंड एस एन इमल्सिफाइंग एजेंट। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं कमर्शियली टू टाइप्स के जिलेटिन अवेलेबल होते हैं, टाइप ए एंड टाइप बी। और टाइप ए जो है इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है बिटवीन pH 7 and 9। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है ये सब डिटेल हमने प्रोटीन्स एंड एंजाइम के इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमने डिटेल में बताया। और टाइप ए जो है ये इनकम्पेटेबल होता है विद द एनायनिक कंपाउंड्स जैसे कि अकेशिया गार ट्रैगोकैन एंड इट इज प्रिपेयर्ड बाय द एसिड ट्रीटमेंट ऑफ द कोलेजन। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट टाइप बी जिलेटिन, जिसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बिटवीन 4.7 से 5 के बीच में होता है और इट इज यूज्ड विद द एनायनिक मिक्सचर। इसको एनायनिक मिक्सचर के साथ इसको यूज किया जा सकता है और इसको प्रिपेयर करते हैं बाय द अल्कलाइन प्री ट्रीटमेंट। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं प्रिपरेशन मेथड ऑफ जिलेटिन। तो जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है जिलेटिन का वो वेरी करता है फ्रॉम द फैक्ट्री टू फैक्ट्री, और यहाँ पे हमने जनरल प्रोसेस बताया है किस तरीके से जिलेटिन को प्रिपेयर करते हैं। तो जिलेटिन प्रिपेयर करने के लिए जो रॉ मटेरियल होता है वो है बोन्स स्किन एंड टेंडन्स। तो सबसे पहले ये जो स्किन टेंडन्स हैं इसको क्या किया जाता है, इसका लाइमिंग किया जाता है। तो लाइमिंग प्रोसेस क्या होता है, लाइमिंग प्रोसेस में हम रॉ मटेरियल लेते हैं और रॉ मटेरियल की लाइमिंग की जाती है, मतलब कि स्किन और टेंडन लिया जाता है और उसको 15-20 या कभी कभी 40 डेज तक उसको डाइल्यूट मिल्क ऑफ लाइम में उसको रख दिया जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, जो फ्लैशी मैटर होता है वो डिसॉल्व हो जाता है, कोंड्रोप्रोटीन जो होता है कनेक्टेड टिश्यू में प्रेजेंट होता है उस वो जो है रिमूव हो जाता है और फैटी मैटर भी क्या होता है सिंपलीफाइड हो जाता है। और उसके बाद क्या किया जाता है, उस एनिमल स्किन को फर्दर फिर वॉश कर लिया जाता है विद द रनिंग वाटर। उसके बाद नेक्स्ट डीफैटिंग की जाती है इन द केस ऑफ बोन्स। तो बोन के केस में डीफैटिंग की जाती है, इसमें क्या करते हैं मटेरियल को प्रॉपरली ग्राउंड किया जाता है, मीन्स इसको क्रश किया जाता है, पाउडर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद उसको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ ट्रीट किया जाता है जैसे कि बेंजीन, और उसमें जो मिनरल और इनऑर्गेनिक जो पार्ट है मीन्स उसमें जो कैल्शियम प्रेजेंट होता है इसको रिमूव किया जाता है बाय द ट्रीटिंग विथ HCl। HCl से उसको ट्रीट किया जाता है, डीकैल्सीफाइड किया जाता है, मतलब उसमें कैल्शियम को रिमूव किया जाता है। उसके बाद जो हमको मटेरियल जो ऑप्टेन होता है वो सॉफ्ट स्पॉन्ज लाइक होता है जिसको हम ओसिन बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या किया जाता है, जो ट्रीटेड मटेरियल है जो बोन्स स्किन टेंडन्स जो हम ट्रीटमेंट देते हैं बाय द एसिड ट्रीटमेंट अल्कलाइन ट्रीटमेंट किया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद उसको हम फर्दर बॉयल करते हैं विद द वाटर, वाटर के साथ उसको बॉयल करते हैं, और उसके बाद क्या होता है उस स्किन बोन्स और टेंडन्स में जो कोलेजन प्रेजेंट होता है वो जिलेटिन में कन्वर्ट हो जाता है, सॉल्युबल जिलेटिन में कन्वर्ट हो जाता है। और इस प्रोसेस को हम रिड्यूस प्रेशर के अंदर भी कर सकते हैं, सॉल्यूशन को डिक्लराइज किया जाता है, फिल्टर किया जाता है और उसको कंसनट्रेट किया जाता है अंडर रिड्यूस प्रेशर। और उसके बाद जो कंसनट्रेटेड जिलेटिन एक्सट्रैक्ट जो तैयार होता है उसको फिर मेटल ट्रे में उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और उसको सेट होने के लिए रख दिया जाता है। जब वो ठंडा होता है तो वो सेमी सॉलिड जेली फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद उसको ड्राई किया जाता है। तो किस तरीके से ड्राई करते हैं, तो जेली को क्या किया जाता है ट्रांसफ़र किया जाता है टू द ट्रे, जिसमें क्या होता है जिसमें परफोरेटेड वायर की नेटिंग होती है बॉटम में, और उसको पास किया जाता है थ्रू द सीरीज ऑफ ड्राइंग कंपार्टमेंट मीन्स 30 उसके बाद उसमें 40 फिर 50 फिर 60 डिग्री सेल्सियस में उसको क्या किया जाता है एक के बाद एक उसको अलग अलग कंपार्टमेंट में उसको जो है ट्रांसफ़र पास किया जाता है।
और लगभग जो है कंप्लीट ड्राइंग के लिए अबाउट मंथ लग जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं ब्लीचिंग। तो डार्क कलर अगर है तो फिनिश प्रोडक्ट का, तो उसको ब्लीचिंग की जाती है बाय द सल्फर डाइऑक्साइड। और ब्लीचिंग के बाद क्या होता है, और ब्लीचिंग के बाद जो वो लाइट कलर जिलेटिन में कन्वर्ट हो जाता है और उसको फर्दर ड्राई किया जाता है एट द रूम टेम्परेचर। तो ये हो गया प्रिपरेशन मैथड ऑफ जिलेटिन। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं केमिकल टेस्ट फॉर जिलेटिन। तो इसमें बायर टेस्ट, जेंथोप्रोटिक्स, मिलन टेस्ट, निनहाइड्रिन, सोडालाइम टेस्ट, टैनिक एसिड, पिक्रिक एसिड टेस्ट एंड कॉन्ब्रिन टेस्ट किया जाता है। तो बायर टेस्ट जिसमें क्या करते हैं, जिलेटिन सॉल्यूशन लेते हैं, इसमें NaOH डाला जाता है लगभग 1 ml 5%, उसमें फ्यू ड्रॉप्स कॉपर सल्फेट डालते हैं तो रेड और वॉयलेट कलर आता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। जेंथोप्रोटिक टेस्ट में क्या करते हैं, इसमें भी जिलेटिन सॉल्यूशन लेते हैं, जिलेटिन सॉल्यूशन के बाद उसमें नाइट्रिक एसिड डाला जाता है तो येलो कलर ऑब्टेन होता है। और ये स्पेशली जो है प्रेजेंस ऑफ टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन इन द प्रोटीन के लिए काम करता है। और एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब उस सॉल्यूशन में जब हम स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करते हैं QVH या NO सॉल्यूशन, तो वो जो येलो कलर से वो और डार्क हो जाता है टू द ऑरेंज कलर। इसके बाद नेक्स्ट मिलन्स टेस्ट। तो इसमें मिलन्स रिएजेंट यूज़ किया जाता है, मीन्स प्रोटीन सॉल्यूशन लेते हैं, जिलेटिन सॉल्यूशन लिया जाता है और उसमें मिलन्स रिएजेंट डालते हैं तो वाइट प्रेसिपिटेट आता है। और जब उसको हीट करते हैं उस सॉल्यूशन को, तो वो वाइट प्रेसिपिटेट जो है वो सॉल्यूशन जो है वो इसमें रेड में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं निनहाइड्रेट टेस्ट। तो निनहाइड्रेट सॉल्यूशन उसमें ऐड करते हैं तो रेड टू वॉयलेट कलर बनता है। इसके बाद नेक्स्ट सोडालाइम टेस्ट। इसमें क्या करते हैं, जिलेटिन लिया जाता है लगभग 1 ग्राम, उसको हम ड्राई टेस्ट ट्यूब में डालते हैं, उसमें सोडालाइम डाला जाता है। और क्या होता है, सोडालाइम डालने के बाद क्या होता है, अमोनिया जो है इवॉल्व होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजनस कंपाउंड इन द जिलेटिन। टैनिक एसिड टेस्ट। तो टैनिक एसिड टेस्ट में जिलेटिन सॉल्यूशन बनाते हैं वाटर में, उसके बाद उसमें टैनिक एसिड का फ्यू ड्रॉप डाला जाता है तो वाइट बफ कलर का प्रेसिपिटेट आता है। पिक्रिक एसिड टेस्ट में क्या करते हैं, पिक्रिक एसिड के साथ जिलेटिन सॉल्यूशन येलो प्रेसिपिटेट देता है। और कॉन्ड्रिन टेस्ट क्या होता है, तो कॉन्ड्रिन टेस्ट में जिलेटिन सॉल्यूशन लेता है, तो जिलेटिन सॉल्यूशन में जब लेड एसिटेट डालें या एलम डाला जाता है या कोई एसिड के साथ जो है कोई भी प्रेसिपिटेट अगर नहीं आता है, इसका मतलब उसमें कॉन्ड्रिन एब्सेंट है, कॉन्ड्रिन प्रेजेंट नहीं है। और अगर प्रेसिपिटेट आता है, इसका मतलब उसमें कॉन्ड्रिन प्रेजेंट है। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि कॉन्ड्रिन जो प्रेजेंट होता है स्किन्स में, टेंजन्स में, इसको रिमूव किया जाता है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ द जिलेटिन, इसलिए जिलेटिन में कॉन्ड्रिन जो है एब्सेंट होना चाहिए। तो ये हो गया जिलेटिन के केमिकल टेस्ट के बारे में। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट यूजेस ऑफ जिलेटिन। तो इस जिलेटिन को फूड इंडस्ट्रीज में भी यूज़ करते हैं, कॉस्मेटिक्स में भी यूज़ किया जाता है, फोटोग्राफिक प्रोसेस के लिए भी इसको यूज़ करते हैं, प्रिंटिंग प्रोसेस के लिए, ऐसा एडहेसिव और फार्मास्यूटिकल पर्पज़ के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। तो फार्मास्यूटिकली इस जिलेटिन को कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं, तो इट इज़ लार्जली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कैप्सूल शेल्स, मतलब कि हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स जो होते हैं, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स जो होते हैं, तो ये जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल सेल बनाने के लिए इस जिलेटिन को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा अदर क्या फार्मास्यूटिकल यूज़ हैं, तो इसको टैबलेट एनकैप्सुलेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। और जिलेटिन ऑल्सो यूज टू प्रिपेयर पेसरीज बनाने के लिए, पेस्टल्स बनाने के लिए इसको यूज़ करते हैं, पेस्ट बनाने के लिए, क्रीम्स, जेल्स बनाने के लिए, सपोजिटरीज बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, पिल्स कोटिंग, ऐसा सस्पेंडिंग एजेंट इसको यूज़ करते हैं, बाइंडिंग एजेंट भी यूज़ किया जाता है, ऐसा टैबलेट बाइंडर, कोटिंग एजेंट भी इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लिसरीनेटेड जिलेटिन, मतलब कि ग्लिसरीनेटेड जिलेटिन, मतलब कि ग्लिसरीनेटेड जिलेटिन विथ ग्लिसरीन, इट इज़ यूज्ड एज अ व्हीकल एंड ऑल्सो फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सपोजिटरीज। और इसके अलावा इसको जिंक के साथ कंबाइन किया जाता है टू फॉर्म जिंक जिलेटिन, जिसको यूज़ किया जाता है एज अ टॉपिकल प्रोटेक्टेंट। उसके बाद जिलेटिन को वाइडली यूज़ किया जाता है इन द फूड प्रोडक्ट्स में, डिफरेंट डेजर्ट्स में इसको यूज़ करते हैं, एज अ स्टेबलाइजर इसको यूज़ किया जाता है, स्टेबलाइजिंग एजेंट, या इसको थिकनिंग एजेंट इसको यूज़ किया जाता है उस फूड प्रोडक्ट्स में, एज अ प्रोटेक्टिव, या इसको एमल्सीफाइंग एजेंट, या इसको जेलिंग या क्लैरिफाइंग एजेंट इसको यूज़ किया जाता है। मीन्स ये फूड प्रोडक्ट को स्टेबलाइजर, थिकनर या टेक्सचराइजर इन द फूड इसको यूज़ करते हैं, प्रॉपर टेक्सचर प्रोवाइड करता है। मीन्स जैसे कि इसको यूज़ करते हैं जेलीज के प्रिपरेशन में, कैंडीज़ के, केक्स, आइसक्रीम्स एक्सेट्रा, इसके प्रिपरेशन के लिए इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसको यूज़ किया जाता है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर सब्स्टिट्यूट्स, एडहेसिव्स, सीमेंट, लिथोग्राफिक एंड प्रिंटिंग इंक्स, प्लास्टिक कंपाउंड्स, आर्टिफिशियल सिल्क, फोटोग्राफिक प्लेट्स एंड फिल्म्स, और लाइट फिल्टर्स फॉर मर्क्यूरी लैंप्स, क्लैरिफाइंग एजेंट, साइजिंग पेपर्स एंड टेक्सटाइल्स।
और नेक्स्ट सेवेंथ पॉइंट, इट इज़ द कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल कल्चर मीडिया. बैक्टीरियोलॉजिकल कल्चर मीडिया बनाने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है और इसको यूज़ करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एब्जॉर्बेबल जिलेटिन स्पॉन्ज. एब्जॉर्बेबल जिलेटिन स्पॉन्ज बनाने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है, जिसको हम यूज़ करते हैं एज अ टॉपिकल हीमोस्टेटिक. इसको यूज़ किया जाता है, हीमोस्टेटिक मतलब कि अगर ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए उस जिलेटिन स्पॉन्ज को यूज़ किया जाता है. तो इसको अप्लाई किया जाता है ब्लीडिंग वुंड में और उसको टाइट किया जाता है एज अ बैंडेज. और इसको जिलेटिन फिल्म बनाने के लिए भी इस जिलेटिन को यूज़ किया जाता है. जिलेटिन फिल्म यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ सलाइन सोक्ड शीट्स इन द सर्जिकल रिपेयर ऑफ द डिफेक्ट्स इन द मेम्ब्रेन. और जैसा कि नाम है एब्जॉर्बेबल जिलेटिन स्पॉन्ज, तो ये क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है बॉडी फ्लूइड्स को, ब्लड को, पस को, म्यूकस को, ये एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी रखता है. इसके बाद नेक्स्ट, फार्मास्यूटिकली इस जिलेटिन को माइक्रो एनकैप्सुलेशन ऑफ ड्रग के लिए भी इसको यूज़ करते हैं एंड एज अ व्हीकल फॉर सर्टेन इंजेक्शन, जैसे कि हिपेरिन. हिपेरिन इन द फॉर्म ऑफ ब्रिटकिंस मेंस्ट्रम विच कंटेन जिलेटिन, डेक्स्ट्रोस, एसिटिक एसिड एंड वाटर. तो ये हो गया यूजेस ऑफ जिलेटिन. इसके अलावा इसको कॉस्मेटिक पर्पस के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है, इस जिलेटिन को, जैसे कि जेल्स बनाने के लिए, क्रीम्स बनाने के लिए इसको यूज़ करते हैं, फेस मास्क, शैम्पूस एंड अदर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के लिए इस जिलेटिन को यूज़ किया जाता है. तो ये हो गया जिलेटिन का यूजेस. और आज का जो कंटेंट है हमने लिया है फार्माकोग्नोसी की बुक सीके कुकाटे से, फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री की बुक बिरेनसा एंड एके सर से, और फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री की बुक वीडी रंगारी वॉल्यूम 1 से. थैंक यू.